वीडियो में सीखेंगे नाव नदी वाले क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल होते हैं ये, चलिए देखते हैं इसको। यदि एक नाव की नदी की धारा की दिशा में, किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, मतलब जिधर पानी चल रहा है उसी दिशा में, चाल है कितनी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है धारा की दिशा में। आगे देखिए तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है धारा की दिशा में। आगे लिखा है और धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, तो विपरीत दिशा में कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है से चलती है। तब नाव की चाल, किसकी चाल, नाव की चाल और धारा की चाल आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल होते हैं इस तरीके क्वेश्चन। तो लिखेंगे नाव की चाल बराबर, नाव की चाल बराबर S1 + S2/2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। S1 क्या होता है, ये S1 जो पहले चाल दी है धारा की दिशा में, तो यहाँ पर कितनी दी है, 22, तो यहाँ पे लिख लो 22। फिर प्लस S2 क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 10, तो यहाँ लिख लो 10 और नीचे 2। अब क्या करो, 22 और 10 जोड़ दिया, कितना हो गया, 32, नीचे बटे में 2, 2 से भाग दे दो, कितना आ गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आ गई नाव की, किसकी चाल, नाव की चाल आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे इसी प्रकार धारा की चाल, धारा की चाल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पर प्लस था पहले, अब यहाँ पर माइनस है, तो क्या लिखेंगे, S1 की जगह 22 माइनस S2 की जगह 10 यहाँ से बटे में 2, 22 में से 10 घटाओ 12, 12 में भाग लगाओ 2 से, 2 से जब भाग लगाएंगे कितना आएगा, 6 आंसर आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी धारा की चाल। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन, यदि एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो आंसर में आपको बताना है धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। फिर से समझ लीजिएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, ए ऑप्शन हो गया 4, बी ऑप्शन हो गया 3, तो जो ऑप्शन आपको सही लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 3, जो आपको सही लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए।